दोस्तों कैसे हैं आप? तो मैं आज का ब्लॉग आपके साथ शुरू करूंगी। तो हमारे गांव में सेब की नर्सरी को तैयार किया जा रहा है, और जो वहां पे जो नर्सरी के मालिक हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगी। और जो जो उन्होंने बूटे बूटे वगैरह तैयार करने लगाए हुए, और जो वहां पे मतलब उन पे जो ग्राफ्टिंग वगैरह करे हैं, और उनसे भी आपकी बात कराऊंगी। तो मेरा ब्लॉग जो नर्सरी वाले जिनकी नर्सरी है उनके साथ ही शुरू करेंगे, और वही आपको नर्सरी के बारे में बताएंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं सेब के ऊपर कलम ग्राफ्टिंग, जो कि हमारे नेगी जी आए हुए हैं। आप देखें कैसे होती है कटिंग, ये अपनी ग्राफ्टिंग कैसे होती है। नेगी जी कुछ बताएं। अच्छा जी, ग्राफ्टिंग हमें ऐसे 4-5 किस्मों का होता है जी, ऐसा ग्राफ्टिंग है ना जी। हाँ जी, इसको 3 तरह से करते हैं जी ग्राफ्टिंग। अच्छा जी, तो अभी हम इसमें टंग ग्राफ्ट कर रहे हैं जी नर्सरी में जी। अच्छा, टंग ग्राफ्ट। हाँ जी, ये सबसे अच्छा रहता है जी, और जल्दी खाल पकड़ते हैं इससे ना जी। अच्छा जी, तो ये मतलब हमारी कलम अगले साल के लिए पौधा तैयार हो जाएगा पौधा इसका। तैयार हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पाल्टियाँ लगाई है, यहाँ नर्सरी तैयार की है। तो इसमें हम आज ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ शुरू कर ली थी हमने ग्राफ्टिंग। आपको दिखाते हैं नर्सरी, यहाँ से कुछ हमने ग्राफ्टिंग शुरू की है। ये 1000 पौधा है गाइस, इसमें अलग अलग वैरायटीज की ग्राफ्टिंग होगी आज, और शुरुआत हमने यहाँ से कर ली है। रेड लम गाला की वैरायटी शुरू हो रही है। इसमें हम 5-6 वैरायटी लगाएंगे। हेलो गाइस, अब हम दूसरी वैरायटी शुरू कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे की है रेड लम गाला, और आगे कर रहे हैं हम डेविल गाला। आप देखिए किस तरह से ग्राफ्टिंग होती है। नेगी जी, आप दूर दूर तक जाते होंगे ग्राफ्टिंग के लिए। अगर हमारे किसी फ्रेंड को आपसे संपर्क करना हो, आप अपना नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नंबर है जी 8988083109। ओके, सोहन लाल नेगी जी हाँ जी, नाम इनका। हाँ जी, इस तरह से ग्राफ्टिंग होती हुई है। ये पाल्टिया मैंने जनवरी में लगाई थी और सारी हरी हो चुकी है गाइस। अब ये ग्राफ्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा टाइम नहीं लगता, तो ये हमारे ये जैसे लहाया था ना, उसी टाइम नीचे लगा के फिर यहाँ नर्सरी में लगाते, तो इतने देर को तो ये शूट निकल जाता है इसमें। अच्छा, हमने लगा दिया हुआ, हमारे तो निकल गए।
इस तरह से क्राफ्टिंग होती है। हाँ जी हाँ जी, ये पहले निकल, इसमें कलम पास हो जाती है, जितना जान इसमें होगा, पर अब चढ़ेगा जल्दी, पर ये तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये इसको नहीं उगने देगा, यहाँ से सूख नहीं जाएगा ये। देखिए कैसे क्राफ्टिंग होती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, ये है पलम का पौधा जो कि पिछले साल पौधे लगे थे, इस साल सैंपल आएगा इसमें। ये प्लोन का है, सबसे लास्ट में चलेगा, जब सारे पलम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ये शुरू होगा। इसमें तीन वैरायटी पलम की लगी है, प्लून, ब्लैक कैम्बर और रेड ब्यूट। रेड ब्यूट में तो सब में फूल और पत्ते आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसमें तो अभी कुछ भी नहीं आया, अब आ रहे हैं फूल पत्तियाँ हल्की हल्की सी, देख सकते हैं आप। ये सबसे लास्ट में चलेगा जब सारे पलम मतलब ख़त्म हो जाएंगे, सबसे लास्ट में ये चलेगा। और मार्केट रेट इसका बहुत अच्छा है, 300 से 400 रुपए किलो पर केजी तक बिकता है ये। और ये गाइस हमारा सेब के प्लांट्स जो कि क्राफ्टिंग हो रहे हैं। खेत खाली भी हो रहा है साथ में।